हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कैसे आप GFS सेटिंग्स को बिल्कुल एकदम सेट कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, आपका गेम प्ले बहुत ही स्मूथ चलेगा। मैं ये Redmi Note 6 Pro में कर रहा हूँ। आई कैन प्रॉमिस दैट ये आपके भी फ़ोन में काम करेगा। एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना है, अगर बहुत ही कम रैम है, लाइक 2017 का फ़ोन है, तो गाइस GFX उतना हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास 2018 एंड या मिड से फ़ोन है तो आपका बिल्कुल स्मूथ चलेगा गाइस, अभी से स्मूथ चलेगा। देखो, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पूरा का पूरा कम्पीट कर दे। सो व्हाट यू गॉट डू इज़, आपको पहले एक दो मैचेस बिल्कुल स्मूथ चलेंगे, थर्ड मैच से आपको फ़ोन को थोड़ा रिबूट करना है, या तो गेम को रीसेंट मेमोरी से हटा के फिर से स्टार्ट करना है, फिर आपका गेम स्मूथ चलेगा। तो मैं अपना Redmi Note 6 Pro में करता हूँ ये। मैं कंटिन्यूस 4 से 5 मैच खेल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं था, बट जैसे मैं 5th मैच खेलता रहता हूँ, या ऐसा समझ लो कि मैं जब 2 घंटे ऑलमोस्ट हो जाते हैं तो मेरे लैग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम में मैं फ़ोन ऑफ कर देता हूँ या एडिशन से हटा देता हूँ, फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए आपको पहले जाना होगा अपने जो कि है क्रोम में, उधर जाने के बाद सर्च करना होगा आपको GFX प्लस टूल, ये सर्च कीजिए और पहला जो साइट है उससे डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसका पूरा डाउनलोड लिंक एकदम डायरेक्टली मैं अपना गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद गाइस बहुत ही सिंपल है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल तो आप जानते होंगे। इंस्टॉल होने के बाद गाइस यहाँ पर आ जाइए, कुछ इस तरह का इंटरफेस है इधर। तो पहले आपका जो गेम वेरियंट है गाइस, उसको बिल्कुल श्योर रहिए कि वो 0.18.0x है, या जो भी लेटर वेरिएंट है उसको हमेशा इसमें रखना है, क्योंकि गाइस ये बहुत ही मैंडेटरी है कि आपका वेरिएंट सही रहो, नहीं तो आपका जो भी अब चेंजेस करेंगे वो नहीं होगा। तो चलिए गाइस अब दूसरा सेटिंग्स हो जाते हैं। दूसरा है बेसिक ग्राफिक्स, इसको आप बिल्कुल लो कर सकते हैं, अगर आपको लाइक कुछ भी डर नहीं है कि स्क्रीन कंट्रोल्स से एक्चुअली छोटा हो जाते हैं तो आप उसे रिफिट कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा लैग करते हैं तो आप उसे 640x480 कर दीजिए, बट मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्मूथ और एक्सट्रीम कर लीजिए, स्टाइल क्लासिक कर लीजिए, शेडोज़ को डिसेबल कर लीजिए और MSAA को भी डिसेबल कर लीजिए, जैसे आप कर लेंगे। मिसलेनियस ग्राफिक्स में जो कि है उसको भी डिटेल मोड को डिसेबल कर लीजिए, लाइट इफेक्ट्स को डिसेबल कर लीजिए। एडवांस ग्राफिक्स में जाइए, मेमोरी बूस्ट को ऑन करिए, ज़ीरो लैग मोड को ऑन करिए, और ज़ीरो लैग मोड के अंदर ये जो ज़ीरो लैग प्रोफाइल है उसको परफॉर्मेंस मैक्स XPS कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको पोटैटो ग्राफिक्स को ऑन करना है। बट गाइस अगर आपके पास बहुत पुराना फ़ोन है, जैसे मैंने कहा 2018 का फ़ोन है या 2019 का बिगिनिंग का फ़ोन है, तो आपके पोटैटो ग्राफिक्स आपके फ़ोन में चलने के बहुत चांसेस है। अगर आपके नहीं चल रहा है तो गाइस कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो सेटिंग्स उसको छोड़ के बताया वो इनफ है आपके फ़ोन को बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स या कह दो FPS में चलने के लिए। गाइज इसको करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको डन तो मैं कर दिखाऊंगा, इसके पहले हम बोलना भूल गया कि ऐसे आपको हो जाएगा, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ दोबारा अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कंट्रोल लेवल शायद चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन चेंज किया था। तो गाइज मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करके मैं गेम प्ले का क्लिप दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे देख सकते हो मेरा गेम प्ले अभी बहुत स्मूथ है गाइस, अगर मैं सेटिंग्स वगैरह हटा दूँ ना तो मैं अगर कोई गेम प्ले दिखाऊं तो आपको दिखना होगा कितना लैग होता है गाइस। अभी तो कुछ भी लैग नहीं है, ऑलमोस्ट लैग फ्री है, फिर GFS पे रिकॉर्ड ही हो रहा है तो शायद आपको कुछ लैग दिखे भी ना। तो गाइस वीडियो पे थम्स अप दे दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए।